हेलो सेलर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं आपको हमारी पुरानी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ब्रांड डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ब्रांड डिफेंस की दूसरी स्ट्रैटेजीज। तो पहली स्ट्रैटेजी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कीवर्ड टारगेटिंग इन ब्रांड डिफेंस। तो इस स्ट्रैटेजी में हम अपने ही ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट करके उन पे हाई बिड्स करके प्लेसमेंट सिक्योर करते हैं, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटर आपकी प्लेसमेंट ना ले सके। तो जैसे मेरे ब्रांड का नाम है XYZ, और अगर आप Amazon सर्च बार पर सर्च करेंगे XYZ, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे से रिलेटेड ही प्रोडक्ट आपको दिखे। तो इसलिए हम ब्रांड डिफेंस इन स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं। तो आइए जानिए दूसरी स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रांड डिफेंस स्पॉन्सर डिस्प्ले प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो वैसे ही हम स्पॉन्सर डिस्प्ले के माध्यम से अपनी प्लेसमेंट सिक्योर करेंगे। आइए जानिए कैसे। तो पहले मैं आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले की प्रोडक्ट पेज पे जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं बता देता हूँ। पहली, सबसे ऊपर प्रोडक्ट पेज पे एक स्लाइड सा बैनर दिखता है। सेकेंड वन, बाय बॉक्स के नीचे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले बैनर दिखेगा। थर्ड वन, आपको बुलेट पॉइंट्स के नीचे एक छोटा सा बैनर दिखेगा। ये तीन प्लेसमेंट्स हमारे प्रोडक्ट पेज पर आती हैं। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि कहाँ कहाँ हमारी प्लेसमेंट दिखती हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे इस प्लेसमेंट को ले सकता है और हमारी सेल को अपने लिए जनरेट कर सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे इस प्लेसमेंट को ले और हमारी मार्केट को कैप्चर कर पाए। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी ब्रांड डिफेंस लॉन्च करना। तो आइए जानिए कैसे करते हैं। हमें अपने स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन को ओपन करके अपने ही प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है और अपने ही टारगेट एसेस को डाल के उन पर बिड हाई रख के अपने कैंपेन में बजट डाल के लॉन्च कर देना है। तो जैसे हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट टारगेटिंग में अपने ही प्रोडक्ट को अपने दूसरे प्रोडक्ट पर एडवर्टाइज करा था, वैसे ही हम स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी अपने ही प्रोडक्ट्स को अपने दूसरे प्रोडक्ट पर एडवर्टाइज करके क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग कर पाएंगे और अपने प्लेसमेंट्स को भी सिक्योर कर पाएंगे। तो आप लोग अपने कैंपेन मैनेजर में ये एड स्ट्रेटेजी फॉलो करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।